Muchkil K is Wakme, UK Barat Kasateng. Pradamantri Boris Johnson E Aj. Oxygen concentrators or ventilators Barat ko Bejne ka Faisla kia hai. Corona ko Harane ke Is Jangme. UK Barat Kesat. Kande Sekanda. Mila Kar Age. Badrahahe. दोस्तों ये मैसेज था यूके से। यूनाइटेड किंगडम इस मुसीबत के टाइम में भारत की हर तरह से मदद करने को तैयार है, पर जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह से एक ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, यानी कि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उनको पहले ही पाकिस्तान द्वारा हलाल पाकिस्तान या हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड मिल चुका है और वो पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं, ना कि हिंदुस्तान के लिए। और कमला हैरिस जो उनकी साइड किक हैं बेसिकली, वो तो इंडिया के लिए बिल्कुल यूजलेस हैं। पहले उन्होंने इंडिया की हेल्प करने से, इस मुश्किल दौर में इंडिया की हेल्प करने से मना कर दिया था। हालाँकि अजीत डोवाल के प्रेशर बनाने के बाद अब वो इंडिया की हेल्प करने को तैयार हैं। पर याद रखिए, जब अमेरिका पर बुरा टाइम आया था तो इंडिया ने आगे बढ़कर अमेरिका की हेल्प की थी। इसके बावजूद ये व्हाइट ट्रैश जो है जो बाइडेन, ये किसी भी तरह से ट्रस्टवर्दी नहीं है इंडिया के लिए। इस दौर के बाद जब ये कोरोना का काल खत्म हो जाएगा, हमें ये बात याद रखनी है। यहां पर हमें एक बात और याद रखनी है दोस्तों, आज सारे लिबरल पत्रकार मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं हर चीज के लिए। हम ये बात मानते हैं, हमने गलती की कि हमने मोदी गवर्नमेंट को चुना। मोदी गवर्नमेंट और उनके सारे मंत्री सब बेकार हैं। पर एक बात यहां पर याद रखिए, ये जो पत्रकार है ना लिबरल्स, ये भी सारे बेकार हैं। इन पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी मंत्री पे या किसी नेता पे विश्वास करके गलती दोहरा रहे हैं तो याद रखिए, ये भी वो पत्रकार हैं जिन पे अगर आप विश्वास करते हैं तो फिर से अपनी गलती दोहराएंगे। हम ये बात मानते हैं कि मोदी सरकार ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो सब हमारे खिलाफ ही गए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो या फिर और कोई। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि अगर आप राहुल गांधी को वोट देते तो हिंदुस्तान का क्या हाल होना था? तो भी हिंदुस्तान का यही हाल होना था, थोड़ा सा ऊपर शायद या थोड़ा सा नीचे। पर ये जो लिबरल पत्रकार हैं, ये राहुल गांधी के साथ फोटो लगाकर मोदी और योगी गवर्नमेंट को ब्लेम करने में लगे हुए हैं, यानी कि इनका भी एक प्रोपोगेंडा यहां पर है। घर पे बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, मैं निजी तौर पर एक सलाह दे रहा हूं, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई, आप भी उन्हीं में से एक हैं जो बंगाल पहुंच गए थे 15 तरह की खिचड़ी खाने के लिए, भूल गए क्या? एक लिबरल पत्रकार जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको लात मार के नौकरी से निकाल दिया गया था, अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते थे, जो वो आजकल ट्विटर पे बैठ के अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को रैलियां नहीं करनी चाहिए थी बंगाल में, देखिए कोरोना कितना बढ़ गया। ये वही पत्रकार हैं जो खुद बंगाल रैली कवर करने के लिए पहुंच गए थे, खुद किसान आंदोलन बिना मास्क के पहुंच गए थे और वहां अलग अलग प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले रहे थे। लेकिन हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि इन गधे पत्रकारों पर फिर से भरोसा कर लेती है। आज यही पत्रकार जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, याद रखिए कल ये राहुल गांधी के साथ बैठकर टिक्का कबाब और वाइन पी रहे होंगे और तब आपको एहसास होगा कि हमने गलत पत्रकार, गलत नेता, गलत मंत्री चुने हैं। यही वजह है कि हम लोग हमेशा ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं, उन्हीं लोगों पर दोबारा भरोसा कर लेते हैं जो हमें एक बार डस चुके हैं। इस समय सारे लिबरल्स जो हैं उन्हें लोगों के मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने YouTube चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं कि 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। अरे भाई, हमारे देश की जनता तो इतनी बेवकूफ है कि वो अफजल गुरु और सनी लियोनी से भी इंस्पायर हो जाती है, उनको भी अपना रोल मॉडल मान लेती है, फिर चाहे एक टेररिस्ट हो और दूसरा पॉर्न स्टार। देश की जनता गलत लोगों से ही इंस्पायर क्यों होती है, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और वीडियो मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में कोरोना बेकाबू हो चुका है, पर अगर डर का माहौल बनाया जाएगा तो उससे लोगों के दिलों में और ज्यादा डर पैदा होगा। कोरोना के साथ साथ जो हमारे सेंटीमेंट्स हैं वो भी बेकाबू हो जाएंगे। ये लिबरल्स यही चाहते हैं कि इंडिया अनस्टेबल हो जाए और राहुल गांधी को किसी तरह से प्रधानमंत्री बना दिया जाए और इन लिबरल्स को दोबारा से इनकी हड्डी और शराब मिलने लगे। क्या आप भी यही चाहते हैं? चलिए ये वीडियो देखते हैं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जागे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।